हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारी नाउन टॉपिक चल रहा था जिसका है आज पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने कवर किया था, पोजिशन पढ़ रहे थे हम, इसमें हमने कवर किया था कंपाउंड नाउन, जिसमें हमने क्या देखा था कंपाउंड नाउन में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन में हमने क्या की कवर की थी चीज़ कि दो हमारे वर्ड्स होंगे उसको हम जोड़कर लिखेंगे और इन इसका दो अलग मीनिंग देगा, ये न्यू वर्ड होएगा और न्यू मीनिंग आएगा। तो इसमें हमने कैसे देखा कि पोजीशन कैसे दिखाएंगे, तो हम इसमें वर्ड लिखेंगे लास्ट वर्ड और उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस और पोजीशन शो करने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सिस्टर इन माय सिस्टर इन लॉ हाउस, मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ का हाउस का पोजीशन बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी पोजीशन, माय सिस्टर इन लॉज, लॉज के बाद मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी, माय सिस्टर इन लॉज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि लास्ट वर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी एस हाउस। वरना काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगाना है, माई सिस्टर्स इन लॉ, माई सिस्टर इन्स लॉ, कहाँ पे लगाना है, वो कन्फ्यूजन रहती है। अपोस्ट्रोफी एस लगेगा बाद में। एक और एग्जांपल, जैसे कि बोल दिया मैंने कि माई फादर इन लॉज, माई फादर इन लॉ कार, लिख लेते एग्जांपल, माई फादर इन लॉ कार, मुझे मेरे फादर इन लॉ के कार का पोजीशन बताना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, माय फादर, ये जो अलग अलग वर्ड है इनको एक पोजीशन दिखाएंगे, माय फादर इन लॉज कार, ये पढ़ा था ना हमने, ये हमने कवर किया था, ठीक है। सो कंपाउंड नाउन थी, उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं दो अलग तरीके के पोजीशन, वो क्या है हमारे, कॉमन पोजीशन और दूसरा है हमारा स्प्लिट पोजीशन। ठीक है, कॉमन पोजीशन में क्या होता है, एक एक ही चीज होती है, जैसे कि मान लो मेरा और उसका घर, तो घर तो मेरे और उसके एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमन है हम दोनों का कोई घर, तो उसके लिए बताया जा रहा है। दूसरी चीज़, मेरा एक घर, उसका एक घर, तो हम दोनों के घर कितने हो गए, एक मेरा एक उसका, ये होता है स्प्लिट पोजीशन, यानी एक घर मेरा है एक घर उसका है। तो दो तरीके के पोजीशन बताया आपको मैंने, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन में कॉमन है पोजीशन किसी एक चीज़ का, जैसे घर, मेरा और उसका घर, तो एक मेरा और उसका जो घर है वो एक है, और काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, लेकिन सेम पोजीशन है, दोनों का पोजीशन है उस पर। दूसरा स्प्लिट पोजीशन, यानी कि मेरा एक घर, उसका एक घर, दोनों के मिलकर कितने घर हो गए, दो घर हो गए, यानी कि दो पोजीशन है अलग अलग। तो इनको लिखेंगे कैसे हम, नाउन वन एंड नाउन टू, बाद में क्या लगेगा हमारा, अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन दिखाने के लिए, यानी दोनों का एक पोजीशन है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और फिर लास्ट में हम क्या दिखाएंगे, पोजीशन। ठीक है, अब ये कैसा हो सकता है, पोजीशन कैसा हो सकता है हमारा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि घर एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम दोनों के एक घर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्प्लिट पोजिशन की ओर। स्प्लिट पोजिशन में क्या होगा, नाउन वन एंड नाउन टू, यानी कि नाउन वन का एक पोजिशन, नाउन टू का पोजिशन, और फिर पोजीशन, यानी कि क्या है इसका मतलब, कि उसका एक घर मेरा एक घर। अच्छा एक बात बताओ, उसका एक घर होगा मेरा एक घर होगा, तो मिलकर जो घर होंगे वो तो दो घर होंगे ना, यानी कि पोजीशन हमेशा इसमें किस में होगा, प्लूरल में होगा, किस में होगा हमेशा पोजीशन, पोजीशन प्लूरल होगा, क्योंकि हम किसी की भी बात बताएंगे, उसका एक घर, उसकी एक कार ले लीजिए, उसकी एक कार, दोनों की कार कितनी होगी, अलग अलग दो, तो यानी कि पोजीशन किसका है, कार्स का है, लेकिन अलग अलग है, दो कार का है, तो पोजीशन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस ट्रैक करेंगे, एरर देखेंगे। चलते हैं एरर की तरफ।
एंड पाकिस्तान कल्चर। राहुल एंड विकास फ्रेंड या फ्रेंड्स। राम्स एंड शाम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स। टेलीज दिल्लीज एंड मुंबईज ट्रैफिक। रिया एंड रियाज हस्बैंड। रणवीर्स एंड दीपिकाज वेडिंग। वेडिंग में डबल डी आएगा। नेक्स्ट राम एंड करण करण्स वेडिंग। एक और लिख लेते हैं पूजा एंड रियाज लाइफ। नंबरिंग कर लेते हैं इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखिए एरर देखते हैं और इनको सही करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है मेरा इंडियाज एंड पाकिस्तान कल्चर, यानी इंडिया का अपना अलग कल्चर है, पाकिस्तान का अपना अलग कल्चर है। तो कैसे हो गया ये अलग अलग हो गया, इसका अपना कल्चर इसका अपना कल्चर। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना इंडिया एंड पाकिस्तान कल्चर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट राहुल एंड विकास फ्रेंड, यानी कि राहुल और विकास को कोई एक दोस्त है, ज़्यादा दोस्त भी हो सकते हैं, तो इसमें फ्रेंड भी चलेगा और फ्रेंड्स भी चलेगा। अगर आपको यहाँ पर हो रहा है कि ये हिजिंग साउंड आ रही है, तो विकास यहाँ पर प्लूरल नहीं है, विकास किसी पर्सन का नाम है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस दोनों ही यूज़ करेंगे, विकास फ्रेंड या फ्रेंड्स। तो राहुल और विकास का दोस्त एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सॉरी यहाँ फ्रेंड्स आएगा। तो यहाँ एक भी फ्रेंड हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट राम एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स। अच्छा राम का एक दोस्त श्याम का एक दोस्त, तो मिलकर कितने दोस्त हो गए, दो दोस्त, तो फ्रेंड तो नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा। नेक्स्ट दिल्ली एंड मुंबई ट्रैफिक, यानी दिल्ली का ट्रैफिक की बात हो रही है, मुंबई के ट्रैफिक की बात हो रही है, लेकिन ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर हम ट्रैफिक्स नहीं करेंगे, ट्रैफिक ही रहेगा। नेक्स्ट एरर रिया एंड प्रियाज हस्बैंड, यानी कि पोजेशन हस्बैंड का एक तो नहीं हो सकता, यानी कि रिया का अपना हस्बैंड है, प्रिया का अपना अलग हस्बैंड है, तो यहाँ पर हम इसका पोजेशन अलग दिखाएंगे कि रिया का और प्रिया का पति, रियाज एंड प्रियाज हस्बैंड्स। नेक्स्ट वर्ड रणवीर्स एंड दीपिकाज वेडिंग, यानी कि रणवीर की शादी और दीपिका की शादी, लेकिन उन दोनों की आपस में शादी हो रखी है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाना गलत हो जाएगा। रणवीर एंड दीपिकाज वेडिंग, यानी इन दोनों की एक चीज़ की बात चल रही है, वेडिंग की बात चल रही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस राम एंड करण्स वेडिंग, राम और करण की वेडिंग तो नहीं हो सकती, दोनों ही लड़के हैं, लेकिन आजकल ये भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस देखा जाए तो राम एंड करण्स वेडिंग नहीं होगा, अलग अलग होगा, दोनों का पोजीशन अलग होगा वेडिंग पे। तो राम्स राम की अलग और करण की अलग वेडिंग, राम्स एंड करण्स वेडिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा पूजा एंड रियाज लाइफ। देखिए पूजा और रिया की लाइफ अलग अलग होगी, एक तो लाइफ किसी की नहीं होती है, तो दोनों की अलग लाइफ होने की वजह से पूजास एंड रियाज लाइफ, यानी दोनों की अलग अलग लाइफ है, अलग अलग लाइफ है। तो ये थे हमारे कुछ एरर्स किस पे, हमारे कॉमन और स्प्लिट नाउन पे, कॉमन और स्प्लिट पोजेशन पे। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। अच्छा हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, हमने देखिए हमने नाउन स्टार्ट करते हुए एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें चार चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी विजिबल जो चीज़ होंगी, दूसरी पढ़ी थी हमने फेल्ट ओनली जिसमें हमने FAQs पढ़े थे। लिख लेते हैं एक बार, नाउन स्टार्ट करते हुए हमने चार चीज़ें पढ़ी थी विजिबल
फेल्ट ओनली, जो थे हमारे FAQs. नेक्स्ट हमने पढ़ी थी नाउन इक्विवेलेंट, और उसके बाद हमने पढ़ी थी यूनिट. तो हमने विजिबल और फेल्ट ओनली तो हमने अपना कवर कर लिया है सारे नाउन से, हमारे कलेक्टिव सॉरी हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. इसके बाद बारी आती है हमारे कलेक्टिव नाउन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नाउन इक्विवेलेंट. सो पहले क्या पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन का क्या वो था, हमको ग्रुप के बारे में बताता था. क्या बताता है हमको, ग्रुप के बारे में, इसी एक ग्रुप को इंडिकेट करता है. सो देखो ग्रुप के दो काम होते हैं, ग्रुप भी दो चीज़ों में काम करता है, या तो ग्रुप सेम उसमें काम करेगा यानी कि यूनाइटेड सेंस में, यानी कि ग्रुप एक होकर काम कर रहा है, ग्रुप के मेंबर्स एक हैं, या फिर ग्रुप कैसे काम करेगा, डिवाइडिंग रूल की तरह, डिवाइड डिवाइडेड सेंस की तरह. ठीक है, तो अगर ग्रुप हमारा कैसा होगा, यूनाइटेड होगा, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी. लेकिन अगर हमारा डिवाइडेड सेंस दे रहा होगा ग्रुप, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स के अलग विचार हैं, अलग बात चल रही है, कहीं से भी अलग दिखेगा, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. ये होगा हमारा कलेक्टिव नाउन में कि हमको यूनिट यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड सेंस है. तो इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं. फर्स्ट हमारा द जूरी हैव डिसाइडेड द मैटर. नेक्स्ट है हमारा द कमिटी meets every week. The audience have taken its seat. There भी लगा लेंगे यहाँ पर, there seats. Next sentence, audience is are enjoying the show. Next sentence, the party is are not ready pass the bill. The team is are divided over the issue of captainship. तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस के ऊपर. कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में किसी का भी ग्रुप दिखाएगा. ग्रुप वो क्या होता है, मेंबर्स का ग्रुप होता है. तो उसमें हम देखेंगे कि अब क्या है हमारा. सो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस, द जूरी हैज़ हैव डिसाइडेड द मैटर. तो जूरी क्या होती है, हमारी जजेस का ग्रुप होता है. जूरी डिसाइड करती है, वो क्या देती है, अपना डिसीजन लेती है. तो ये क्या है, यूनाइटेड सेंस में डिसीजन लेती है, हैज़ इसका सही आ जाएगा. नेक्स्ट, द कमिटी मीट या मीट्स एवरी वीक. तो कमिटी के मेम्बर्स क्या करते हैं, हर वीक में मिलते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीट आ जाएगा, सिंगुलर सेंस आ जाएगी. नेक्स्ट, द ऑडियंस हैज़ हैव टेकन इट्स देयर सीट्स. यानी ऑडियंस है तो वो अपनी सीट ले रही है. अच्छा, ऑडियंस देख तो एक ही चीज़ रही है, लेकिन सीट तो अपनी अलग अलग लेगी ना, या फिर एक ही सीट पर सारी ऑडियंस बैठ जाएगी. तो यहाँ पर कैसे सेंस आ रही है, डिवाइडेड, तो हैव लग जाएगा, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और देयर. नेक्स्ट, द ऑडियंस is are enjoying the show. तो audience जो है इकट्ठा होकर show को enjoy कर रही है, यानी कि united sense की बात हो रही है, तो is आ जाएगा. next, the party is are not ready to pass the bill. यानी कि कोई party है वो
बिल पास नहीं करने दे रही है। तो यानी कि कैसी सेंस है, डिवाइडेड सेंस है, यूनाइट नहीं हो रखे हैं। द पार्टी आर नॉट रेडी टू टू पास द बिल। नेक्स्ट, द टीम इज आर डिवाइडेड आर द टीम इज आर डिवाइडेड ओवर इशू ऑफ कैप्टनशिप। तो जो टीम है डिवाइड हो चुकी है, इसमें खुद ही आ रहा है डिवाइड हो चुकी है, कैप्टनशिप के इशू की वजह से टीम जो है डिवाइड हो चुकी है, यानी कि आ रहेगा। तो ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस किस पर हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी हमने कि कलेक्टिव नाउन में कैसे हो सकता है। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप हमारा यूनाइटेड सेंस में हो सकता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस में होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, बस आपको उनको याद रखना है और एरर्स उसमें से ही आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अब चलते हैं हमारा नाउन इक्विवेलेंट में। जो मैंने आपको ये केस बताया था कि हमने नाउन में हमारा विजिबल कवर कर लिया। विजिबल में क्या होता है, हमारा पर्सन एनिमल थिंग और कोई भी पर्सन एनिमल थिंग और कोई भी प्लेस। नेक्स्ट इसके बाद फेल्ट ओनली में हमने एफएक्यूज कर लिए हैं सारे, फीलिंग एक्शन क्वालिटी और स्टेट। उसके बाद हमने चारों नाउन को अपना, जो हमारी चारों नाउन है, पाँचों नाउन है, फाइव टाइप्स की हमने नाउन पढ़ी है। उसके बाद हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अपना जेंडर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने केस पढ़ लिए थे। तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, अपना नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि कोई चीज़ जो नाउन के इक्विवेलेंट हो। सो लेट स्टार्ट नाउन इक्विवेलेंट। सो नाउन इक्विवेलेंट, पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके लिए, हिंदी में करते हैं इसको, समझते हिंदी में, ठीक है। मोहन एक गरीब आदमी है, गरीब की मदद करो। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए, पहले देखते हैं क्या चीज़ है। सो सबसे पहले क्या है, मोहन एक गरीब आदमी है। तो मोहन क्या है, इसमें नाउन हो गया, आदमी गरीब आदमी है, ये भी एक नाउन है। अच्छा, नाउन से पहले हमें जो वर्ड्स बताए जाते हैं वो क्या होते हैं, जो नाउन की नाउन को क्वालिफाइज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। ये नाउन और ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो आदमी कैसा है, गरीब आदमी है, तो ये क्या बता रहा है हमें, एडजेक्टिव, क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अब देखिए हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है, तो ये क्या है, गरीब की मदद करो। तो गरीब हमारा आगे आ गया, यानी कि अब ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। लेकिन ये क्या सही है कहना कि गरीब की मदद करो, नहीं। जब हमारा जो एडजेक्टिव है आगे आ जाता है वो एज अ प्लूरल ट्रीट होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गरीबों की मदद करो, वो अपने आप में ही कैसा सही लगेगा, प्लूरल सही लगेगा। तो यानी कि अगर हमारा कोई वर्ड है, हमारा कोई वर्ड है नाउन, और नाउन अगर हमारा एज एन एडजेक्टिव, सॉरी, हमारा कोई एडजेक्टिव है और वो एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो क्या होगा, वो नाउन कैसी होगी, वो कैसी होगी, प्लूरल होगी नाउन। और उससे पहले हम द का यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या बताएंगे, उसके बाद हम कोई सेंटेंस बताएंगे। तो जो एडजेक्टिव है हमारा नाउन की तरह यूज होगा, एडजेक्टिव हमारा नाउन की तरह यूज होगा और वो प्लूरल सेंस में आएगा। और ये क्या दिखाएगा, एक ग्रुप को दिखाएगा। गरीब क्या है, गरीबों का ग्रुप है, ये क्लास दिखा रहा है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं, ठीक है। तो यानी कि सिंपल हमने समझा कि मोहन एक गरीब आदमी है। तो यहाँ पर आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव क्या है हमारा, गरीब है। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस में जाएंगे, मैंने क्या लिखा था, गरीब की मदद करो, तो गरीब की या गरीबों की मदद करो, यानी कि जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करो, यानी कि ये क्लास आ गई। और जब ये गरीबों हो गया तो ये एडजेक्टिव जब नाउन बन जाएगी, एडजेक्टिव जब नाउन बन जाएगी, उससे पहले हम द लगाएंगे और जो हमारा एडजेक्टिव है वो हम प्लूरल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे। सो मैं कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, उससे से पता चलेगा। राम is a brave boy. The braves are
ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अच्छा एक चीज रह गई हमारी कि अगर ये प्लूरल है हमारी तो इसके बाद की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। कैसी होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल होने वाली है। ठीक है, द नाउन, नाउन एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? नाउन, और उससे पहले द लगा देंगे, और द प्लूरल की होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। कंटिन्यू करते हैं हमारे सेंटेंसेस के साथ। थर्ड सेंटेंस, पुअर इज सफरिंग अलॉट, रिच इज यूजुअली सैड। द वाइज सेज दैट honest as has a tough life। ठीक है, सो ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो क्या है इसमें? सो पहला सेंटेंस क्या हमारा, राम इज अ ब्रेव बॉय, तो ये नॉर्मल बता रहा है हमको क्या कि राम एक ब्रेव बॉय है, तो ये एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। लेकिन जब हमारा ब्रेव आगे आ रहा है, द ब्रेव्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, तो ब्रेव क्या हो गया हमारे एडजेक्टिव है जो एज ए नाउन ट्रीट हो रहा है, नाउन इक्विवेलेंट, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? द। और यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रेव अपने आप में, मतलब ब्रेव को प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, द ब्रेव आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ठीक है, आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, पुअर इज सफरिंग अ लॉट, तो पुअर क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव है जो कि नाउन की तरह ट्रीट हो रही है, तो क्या जाएगा? द पुअर्स आर, यहाँ पे आर हो जाएगा इज की जगह, क्योंकि इज क्या है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग, द पुअर्स आर सफरिंग अ लॉट। नेक्स्ट, रिच, रिच के लिए भी क्या आ जाएगा? द रिच आर यूजुअली सैड। नेक्स्ट क्या है सेंटेंस हमारा, द वाइज सेज, देखिए वाइज है और वाइज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने नाउन की तरह किया है, द लग रखा है, तो हमारा एक बहुत प्यारा सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या रूल है हमारा? सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और हमारा प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है ना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, द वाइज लग गया तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर सेज नहीं आएगा, से आएगा। ठीक है, से दैट, अब ऑनेस्ट क्या है अपने आप में? ऑनेस्ट नहीं हो सकता, ईमानदारी नहीं हो सकता, तो दैट द ऑनेस्ट Honest have और earn ही आएगा, tough life, ये इसको हम ऐसे करेंगे। सो ऐसे हम errors हटाएंगे और इनको पहचानेंगे, छोटे छोटे rules हैं उनको याद रखकर। तो ये हो गया हमारा noun equivalent, इसके questions हमने मतलब errors देख लिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम unit, हमारा unit की ओर। unit क्या होता है हमारा? होता है किसी चीज को काउंट या मेजर करना, टू काउंट और मेजर, काउंट और मेजर किसी नाउन वर्ड को काउंट या मेजर करना। ठीक है, तो यूनिट हमने किए थे, आपने वर्ड पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं, चलिए पहले यही देख लेते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है हमारा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा? ऊपर आता है, और न्यूमरेटर हमारा नीचे आता है। यानी कि ये फ्रैक्शन कैसी फॉर्म होती है हमारी? पी अपॉन क्यू। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं मैथ्स क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश का ही पार्ट है, वही चल रहा है, उससे ही आपको क्लियर होंगी चीज़। तो फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम इसमें फ्रैक्शंस के कुछ टाइप पढ़ेंगे, देखना वो आपको हेल्प करेंगे इस केस को पढ़ने में। सो हमारा पहला टाइप क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है ना हमारा, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा वन होता है, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो वन से बड़ा होता है, मोर देन वन। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वन अपॉन फाइव, तो मैं वन अपॉन फाइव को वर्ड्स में कैसे लिखूंगी? मैं तो या तो मैं लिखूंगी वन फिफ्थ, या मैं लिखूंगी वन फिफ्थ,
दो ही तरीके से मैं लिख सकती हूँ अपने यूनिट फ्रैक्शन को, जो मैंने लिखा है नाउ न्यूमरेटर मेरा 1 है, डिनोमिनेटर मेरा मोर देन 1 है। नेक्स्ट इसमें आप देखिए हम कैसे लिखेंगे, इतने मैं दूसरा देखती हूँ। इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/5, ना कि 1/5। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ हमारा फ्रैक्शन, क्या है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मैंने लिखा 2/5, तो ये यानी कि हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2/5 और 2/5। तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ। तो हमारा तरीका कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला नहीं होगा हमारा। ये हमें कैसे लिखेंगे, हम 5th लिखेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, 2/5 लिखेंगे इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, 1/5 को 1/5 लिखा है और 2/5 को 2/5 लिखा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा हमारा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है ये बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे 6/5 ले लेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, 6th सिक्स फिफ्थ, या लिखेंगे हम 6/5, ठीक है। तो हमारा इसमें सही क्या होगा, कौन सा वाला सही होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। तो हमारा इसका क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा ऐसे लिखा जाता है 1/10 ऐसे लिखा जाता है, यानी कि एक नंबर आगे होता है और एक ये पीछे होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/10 1/10। तो इसमें हमारा क्या सही होगा, 1/10 वाला सही होगा, ये गलत होगा। सो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, किसके बारे में, हमने हमारी यूनिट के बारे में, कि हम यूनिट को कैसे दिखाएंगे। क्वेश्चंस आपको एरर्स देखने को मिलेंगे नाउन में, तो इसलिए हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे 1.5 डे, डे होते हैं ना डेढ़ दिन, तो इसको हम 1.5 को क्या बोलते हैं, हिंदी में डेढ़ बोलते हैं, डेढ़। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1.5 डे, हाफ डेज, 1.5 डे, 1.5 डे, 1.5 डे। ठीक है, तो पहले यही देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। सो पहला हमारा सेंटेंस क्या है, डेढ़ दिन को कैसे लिखेंगे हम, तो 1 एंड, अच्छा एक बात बताइए कि एक है, एक तो सिंगुलर हो गया, लेकिन एक में हम अगर कुछ भी जोड़ते हैं बनाते हैं तो वो तो अपना हमारा प्लूरल हो जाएगा ना। मान लो एक है, एक से ज़्यादा दो चीज़ हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो जहाँ कहीं भी डे है वो तो अपने आप में ही कैंसिल होने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लूरल है, डेज आएगा इसमें। तो पहले देखते हैं डे, डे डे तो कैंसिल हो गया, अब देखते हैं बाकी में, 1.5 डेज, यानी एक और आधा दिन, ये सही है, 1.5 डे। आप डे को आगे ले गए तो ये भी सही है हमारा, 1.5 डे। नेक्स्ट क्या है, 1.5 डे, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसमें हमारा एरर है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे, हम 1.5 डे को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, डेज आएगा हमारा। ऐसे ही हम किसको लिख कर देखते हैं, 2.5 डे,
टू एंड हाफ डे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 2.5 दिन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू एंड अ हाफ डेज, डेज आएगा देखिए। और फिर दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं, टू डे एंड, ठीक है, ये दो तरीके हैं हमारे ये लिखने के। तो इसलिए हमने फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या था। सो आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं एक बार देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन का हमने रिवीजन किया, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पोजीशन दो तरीके के हैं, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन, उसमें हमने देखना है कैसे लगाना है। उसके बाद सेंटेंसेस किए, देन हमने देखा नाउन में हमने क्या क्या पार्ट कवर कर लिया था। कलेक्टिव नाउन की बातें सीखी थी कि ग्रुप होता है यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, फिर कुछ सेंटेंसेस किए थे इस पर। उसके बाद हमने नाउन इक्विवेलेंट देखा कि हम अगर हमारी एडजेक्टिव है उसको नाउन बनाएंगे तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर एरर्स किए थे, उसके बाद यूनिट स्टार्ट किया है, फ्रैक्शन देखे हैं कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे ट्रीट करते हैं। फिर इसके बाद हमने ये किया है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।